हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब राइजोपस के एंटर लाइफ साइकिल, इसके अंदर क्या क्या आएगा, अकरेंस और थैलो स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। तो पहले आते हैं इसके अकरेंस पर। तो द जेनस राइजोपस इज ग्रो एज सैप्रोफाइट्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स लाइक ब्रेड, जेलीज, सिरप्स, लेदर एक्सेट्रा। आर स्टोलोनिफर, कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, इज द मोस्ट वाइडली नोन स्पेसिस। पहले हम जानते हैं कि जो राइजोपस है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्रेड, जेली, सिरप, लेदर, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सट्रेट पे पाया जाता है। और जो आर स्टोलोनिफर है वो कॉमनली उसे क्या बुलाते हैं, मतलब आर स्टोलोनिफर को वो उसे वाइडली मतलब कॉमनली ब्रेड मोल्ड बुलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लांट बॉडी, मतलब थैलो स्ट्रक्चर। द थैलस कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमरस स्लेंडर फ्रीली ब्रांच्ड सिनोसाइटिक फिलामेंट्स दैट रिप्रेजेंट द माइसेलियम। द हाइफी आर इंटरवूमेन एंड फॉर्म ए कॉटन मास। द हाइफल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। मतलब इसका जो प्लांट बॉडी है वो बहुत सारे पतले और फ्रीली ब्रांच्ड फिलामेंट कंसिस्ट करता है, जो कि मिलकर माइसेलियम प्रेजेंट करते हैं। और इसका जो हाइफल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है, ठीक है। द प्रोटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर एंड कंटेंट्स ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड ग्लाइकोजन बॉडीज। दे फॉर्म एट रेगुलर इंटरवल्स मैनी राइजर्स लाइक स्ट्रक्चर्स। द राइजर्स कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। व्हेन द प्लांट मैच्योर फॉर रिप्रोडक्शन इट शोज मैनी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो अपवर्ड कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स विच अल्टीमेटली बियर द स्पोरेंजियम। मतलब इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर होता है, ठीक है, और जो कि बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड ग्लाइकोजन बॉडीज कैरी करता है। यहाँ पे ग्लाइकोजन बॉडीज मतलब क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। और वो सब रेगुलर इंटरवल में क्या फॉर्म करते हैं, राइजर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। द राइजर्स कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। और फूड मटेरियल का जो प्रोसेस है वो कौन कैरी करता है, राइजर कैरी करता है। और जब प्लांट मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए वो कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर शो करता है, ऊपर 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 उठकर मतलब अपवर्ड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर शो करता है, जिसको स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हैं, जो कि स्पोरेंजियम कंटेन करते हैं। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन, राइजोपस रिप्रोड्यूसेस बाय थ्री मेथड्स। इसका थ्री मतलब राइजोपस जो है तीन प्रोसेस में रिप्रोड्यूस करता है। एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो राइजोपस है वो दो तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, एक है फ्रैगमेंटेशन और दूसरा है क्लाइमेटोस्पोर। पहले आते हैं फ्रैगमेंटेशन। माइसेलिया ब्रेक्स इनटू सेवरल पीसेस एंड ईच पीस डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल राइजोपस फंजाई। मतलब इसका जो माइसेलिया है वो बहुत सारे पीस में डिवाइड हो जाता है और एक एक पीस एक इंडिविजुअल राइजोपस फंजाई प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लाइमेटोस्पोर, ठीक है। बाई क्लाइमेटोस्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द फंजाई डेवलप्स थिक वॉल्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड राउंडेड बॉडी कॉल्ड क्लाइमेटोस्पोर। विद द एडवेंट ऑफ नॉर्मल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस ए न्यू थैलस। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान वो क्या करते हैं, जो फंजाई क्या करते हैं, कुछ थिक वॉल्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड राउंडेड बॉडी फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं क्लाइमेटोस्पोर। और जब नॉर्मल कंडीशन आता है तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और न्यू थैलस प्रोड्यूस कर देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रॉम द माइसेलियम देर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एरियल ब्रांचेस विच ग्रोस अपवर्ड कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। द टर्मिनल एंड ऑफ द स्पोरेंजियोफोर स्वेल्स एंड बिकम्स राउंडेड। देर विल बी एंट्री ऑफ न्यूमरस न्यूक्लिए अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म टू द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। The sporangium shows two type of zones, the outer peripheral and the inner central zone. The peripheral zone shows more nuclei and more cytoplasm than the inner. The inner portion is called columella. After that, each nucleus is surrounded by some cytoplasm, flagella is come out and form the juice spores. मतलब asexual reproduction में क्या होता है, जो mycelium होता है उसका डेवलपमेंट होता है जो एरल ब्रांचेस में अपवर्ड, उसे बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। और जो स्पोरेंजियोफोर के टर्मिनल एंड है वो स्वेल्स कर जाता है, मतलब पिघल जाता है, पिघल जाके क्या हो जाता है, राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। और तब क्या होता है, देर विल बी एंट्री ऑफ न्यूमरस न्यूक्लिए अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म टू द स्ट्रक्चर। तो तब क्या होता है,
बहुत सारे न्यूक्लिक अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री हो जाता है और उसे क्या बोलते हैं, स्पोरांजियम बोलते हैं। द स्पोरांज में बीच बीच में से क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, क्या क्यों कब, ऐसे करने से याद रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, द स्पोरांजियम शोज टू टाइप ऑफ जोन्स। स्पोरांजियम जो है वो दो तरह की जोन शो करता है, ठीक है। क्या क्या है, एक है आउटर पेरिफेरल जोन एंड एक है इनर सेंट्रल जोन। द पेरिफेरल जोन शोज मोर न्यूक्ले एंड मोर साइटोप्लाज्म देन द इनर। पेरिफेरल जोन जो है वो इनर जोन से ज़्यादा साइटोप्लाज्म एंड ज़्यादा न्यूक्लियस शो करता है। द इनर पोर्शन इज कॉल्ड कॉलुमेला, और इनर वाला पोर्शन को हम कॉलुमेला बोलते हैं। आफ्टर दैट ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई सम साइटोप्लाज्म। सब प्रोसेस हो जाने के बाद हर एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सराउंडेड हो जाते हैं और जो फ्लाजेला है वो बाहर आ जाता है और जूस फॉर फॉर्म कर देता है, ठीक है। लिबरेशन ऑफ जूस फोर्स। व्हेन ए ग्रेट अमाउंट ऑफ जूस फोर्स आर फॉर्म्ड, द लोअर पोर्शन दैट इज द कॉलुमेला ड्राइड अप। मतलब जब बहुत सारे जूस फोर्स फॉर्म हो जाते हैं तब उसका जो मतलब लोअर पोर्शन वाला हिस्सा है कॉलुमेला वो सूख जाता है और वो ऊपर वाले हिस्से में प्रेशर एग्जस्ट करता है, मतलब पेरिफेरल रीजन में वो प्रेशर एग्जस्ट करता है। तो क्या होता है, पेरिफेरल रीजन फट जाता है, बस्ट आउट हो जाता है और सब जूस फोर्स बाहर निकल आ जाते हैं, ठीक है। मतलब जूस फोर्स जो है वो लिबरेट आउट फ्रॉम द बॉडी, बाहर निकल आ जाते हैं। अब क्या होता है, जर्मिनेशन। आफ्टर लिबरेशन द जूस फोर्स स्विम्स फॉर ए वाइल एंड देन द फ्लाजेला विथड्रॉ। मतलब लिबरेशन होने के बाद जो जूस फोर्स होते हैं वो बाहर आकर स्विम करते हैं और फ्लाजेला जो है वो दो फ्लाजेला वो विथड्रॉ हो जाता है। जब वो सूटेबल सबस्ट्रेटम पे पड़ते हैं, फल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जर्म ट्यूब फॉर्म करते हैं एंड फाइनली वो एक माइसेलियम, डेवलप्ड माइसेलियम, फुल्ली डेवलप्ड माइसेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइजोपोस शोस हेट्रोथैलिज्म। राइजोपोस हेट्रोथैलिज्म शो करता है। सोम बिहेव एज मेल एंड सोम एज फीमेल एंड बोथ आर डिजाइनेटेड एज प्लॉस्ट्रिन एंड माइनस्ट्रिन रेस्पेक्टिवली। मतलब हेट्रोथैलिज्म बिहेव करता है ना, इसीलिए कुछ मेल होते हैं और कुछ फीमेल, और बहुत क्या करते हैं, एक प्लस स्ट्रेन तो एक माइनस स्ट्रेन रिप्रेजेंट करता है, डिजाइन कर मतलब ऐसे डिजाइन होते हैं। बहुत द स्ट्रेन्स आर लाइ साइड बाय साइड, दे शो आउटग्रोथ फेसिंग टू ईच अदर, कॉल्ड एज प्रो गैमेटेंजियम। मतलब जो स्ट्रेन है प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन वो दोनों साइड बाई साइड रहते हैं, लाइ करते हैं और कुछ आउटग्रोथ बाहर के हिस्से के तरफ कुछ आउटग्रोथ शो करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं प्रो गैमेटेंजियम, ठीक है। द गैमेटेंजिया डेवलप enlarged and finally they touch each other। मतलब जो लाइव साइड बाय साइड होते हैं ना गैमेटेंजिया, वो डेवलप होते हैं और ग्रोथ करते हैं, फाइनली वो आपस में मिल जाते हैं। देर विल बी लेइंग डाउन ऑफ सेप्टा ऑन बोथ द स्ट्रेन सेपरेटिंग द सेंट्रल जायगोट। द जायगोट इज सिनोजायगोट दैट कॉन्टेन्स मैनी प्लस एंड माइनस न्यूक्लिय। आफ्टर दैट देर विल बी फर्टिलाइजेशन फॉर्मिंग मैनी डिप्लोइड न्यूक्लिय। आफ्टर सम टाइम देर विल बी डेवलपमेंट ऑफ स्पोरांजियोफोर फॉर्मिंग जर्म स्पोरांजियम। मतलब जब वो दोनों मिल जाते हैं पास आकर, उसके बाद जो लेइंग डाउन होता है सेप्टा का और स्ट्रेन जो है वो सेंट्रल जायगोट से अलग हो जाते हैं, उसके बाद जायगोट जो होता है वो सिनोजायगोट होता है जो कि कंटेन करता है क्या, प्लस एंड माइनस न्यूक्लिय, बहुत सारे प्लस एंड माइनस न्यूक्लिय कंटेन करता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, एक डिप्लोइड न्यूक्लिय फॉर्म होता है। आफ्टर सम टाइम देर विल बी डेवलपमेंट ऑफ स्पोरांजियोफोर, कुछ समय के बाद स्पोरांजियोफोर डेवलप होता है जर्म स्पोरांजियो को फॉर्म करते हुए। When the time comes for liberation, there will be a reduction division and each diploid will show four spores. The spores germinate and form a germ tube which later develops into a young rhizopus mycelium. ठीक है, when the time comes for liberation, जब liberation का time आता है there will be a reduction division. Liberation का time आने के बाद एक reduction division होता है और each diploid four spores और ईच डिप्लोइड जो है वो फोर स्पोर्स शो करते हैं। द स्पोर्स जो स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्म ट्यूब फॉर्म करते हैं जो कि बाद में यंग राइजोपस माइसेलियम पर डेवलप हो जाते हैं। मतलब स्पोर जर्मिनेट होते हैं, जर्म ट्यूब फॉर्म करते हैं और उसके बाद में वो राइजोपस माइसेलियम में डेवलप हो जाते हैं।
तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर कुछ भी आपको इस वीडियो से हासिल हुआ है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी और को भी हेल्पफुल हो इसीलिए एक शेयर भी कर लेना, ठीक है? और आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।